हेलो पिलामने पिलामने देखो आमे लास्ट क्लास रे जो टिके पढ़ी थिले अंतर सूत्र से सूत्र गुड़ा टिके मने पके दोची तापर आउ किछि आमे गणित करिबा। देखो वन प्लस टू करके एन पर्यंत एटा होची गणन संख्यार समष्टि। गणन संख्यार समष्टि को आमे एई चिन्ह दबा एई समष्टि माने एई चिन्ह माने हला समष्टि एटा माने हला सिग्मा एटा गोटे ग्रीक वर्ड सिग्मा। ताले ए शेष टीएन पदटा को आमे एमिति लेखिबा समेशन ऑफ एन केते एन इंटु एन प्लस वन बाय टू। जदि खाली अजुग्म संख्यार समष्टि नबा तार हम एन र स्क्वायर। जदि जुग्म संख्या मानकर समष्टि नबा हम एन इंटु एन प्लस वन। जदि एई भली लेखिबा वन र स्क्वायर टू र स्क्वायर करिकी ताले हम एन इंटु एन प्लस वन इंटु टू एन प्लस वन बाय सिक्स। वन क्यूब टू क्यूब थिले हम एन इंटु एन प्लस वन बाय टू र होल स्क्वायर। आउपर आम कि गणित करवा क्वेश्चन वन इंटु थ्री प्लस टू इंटु फोर वन इंटु थ्री प्लस टू इंटु फोर प्लस थ्री इंटु फाइव डट 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 अच्छे देख ये गोटे पद ये गोटे पद ये गोटे पद होकर रही। ताले ये जो पद रे एटा प्रथम पद एटा द्वितीय पद एटा तृतीय पद आमे आगुरु पढ़ुले देख से कौन थिला एक प्लस दुई प्लस तीन माने ये पद ये पद ये पद किंतु प्रत्येक पद रे गोटे गोटे संख्या थिला किंतु एठी देख प्रत्येक पद रे दी दीटा संख्या अच्छी। जेते बेले प्रत्येक पद रे दी दीटा संख्या एमती गुणनीयक आकार रे थिबो सेते बेले आमे कहि केमिति बाहर करिबा। देख ये होची प्रथम पदर प्रथम गुणनीयक द्वितीय गुणनीयक पुणी प्रथम द्वितीय ए भली भाबरे अछि। देख आमे एठी नबा प्रथम पदर प्रथम गुणनीयक एक द्वितीय पदर से सब गुड़ार आम बा प्रत्येक पदर आम गुण प्रथम गुण नियक गुड़ा नवा वन तापर रहा थ्री टू थ्री फोर डट डट हो शेषतम पद कौन हम ए ना आम शेष पदटा को कौन कहे टीएन। देख समांतर प्रगति तुम्हें जो पढ़ुच पूरा समांतर प्रगति यही दीटा सूत्र रही टीएन माने शेष पद केमिति बाहर करिबा ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी समष्टि केमिति बाहर करथिले एन बाय टू इंटु टू ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी यही दीटा सूत्र को लेकिन ही पूरा समांतर प्रगति। बर्तमान देख आम मनकर कह टीएन बाहर करवा शेष पदटा एन केमिति हेला। देख टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी ए मूल्य केते वन डी मूल्य देख केते हम दुई एक गले भी वन। बर्तमान ये आम खाली मूल्य बसेबा वन प्लस एन माइनस वन इंटु डी जगार लिखिले वन वन प्लस एन माइनस वन एन है। ताले प्रथम पदर द्वितीय पदर तृतीय पदर आम सब पदर केवल प्रथम गुण नियक नहींचे से भावे प्रत्येक पदर आम द्वितीय गुण नियक नवा। देख तीन तापर चारि तापर पाँच डट 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 होकर शेष पद कौन जाणिने शेष पद टी एन लिखिले ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी ए जगार लिखा तीन एन माइनस वन पाँच रु चारि गले एक देख एन माइनस वन। बर्तमान देख तीन प्लस एन माइनस वन कौन है दुई प्लस एन बामे ताकु कहिबा एन प्लस टू। ताल देख प्रत्येक पदर प्रथम गुण नियकर एन बाहर कले द्वितीय गुण नियकर एन बाहर कले। बर्तमान पूरा पदर आम गुण नियक केमती बाहर करवा देख वन इंटु थ्री प्लस टू इंटु फोर एमती डट डट हो ए शेष पदटा ए प्रथम पदर आम कह टीएन वन इंटु टीएन टू प्रथम गुण नियकर भी एनतम पद नवा गुणन द्वितीय गुण नियकर भी एनतम पद नवा।
ताले ठी एन तम पद केते हबो आर एन तम पद केते पाइथिले एन आर एन तम पद केते पाइले एन प्लस टू तापरे आमे करिबा पूरा ए जो समांतर प्रगति रे अछि आर आमे गुण नियक बास बड़ टी एन केमती बाहर करिबा एन इंटू एन प्लस टू ए पूरा एपी रो बा पूरा पदटार सबु पदर आमे टी एन बाहर कले गुणी दियो एन रे एन गुणले एन स्क्वायर प्लस टू एन बर्तमान आम तार एन तम पद बाहर कले एबे समष्टि बाहर करवा कारण प्रत्येक पद मझे प्लस चिन्ह अच्छी आम सिग्मा बा समष्टि बा समेसन कौन लिखा टी एन ए शेष पदर एमती सिग्मा चिन्ह दि जाए ताले समेसन कौन लिखा एन स्क्वायर प्लस टू एन पुणी समे आपको भांगिद विस्तार भाव लिखा समेसन अफ एन प्लस समेसन अफ टू एन पुणी लिखा समेसन अफ एन दुईटा बाहर को नहीं आसवा समेसन अफ एन बर्तमान देख एन स्क्वायर माने कौ आकार वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो लास्ट पदटा थी एन स्क्वायर तार समष्टि केमी बाहर एन इंटु एन प्लस वन इंटु टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स दुई को दुई रहिला समेसन अफ एन के एन इंटु एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू बर्तमान तुम एति जदि भी करदेव हम तुम आपरे कौन करवा आउ अलग स्टेप्रे आम आपको आउ टे सरल कर देख एटी अच्छी एन एटी अच्छी एन कमन ने एन एटी अच्छी एन प्लस वन एटी अच्छी एन प्लस वन कमन ने एन प्लस वन कौन रहा देख एटी रहीगला ए पदर टू एन प्लस वन सेपटे कौन रहीगला प्लस टू डिवाइडेड बाय केते हम छई भाव कह मन कर जदि कही एन रूल्य जदि दे तुम्हें से ही जगह एन रूल्य बसई निर्णय कर बर्तमान देख आउ गोटे गणित करवा गणित रु तुम बुझल यही भाव थी तुम्हें करें यही भाव आउ गोटे अच्छी बहीरु गोटे एक्सरसाइज रु करिबा देख बही गणित ही करा जाउची गोटे एग्जांपल मु नौची देख एठी अछि सेभेन गुणन पंदर प्लस आठ गुणन कोड़े डट डट हो टी एन निर्णय करिबा ताले केमिति आमे निर्णय करिबा देख समस्त सबु पदर प्रथम गुण नियक यही भाव अछि सबु पदर प्रथम गुण नियक नहीं पदर आम टी एन वन बाहर करवा शेष पद बाहर करवा ताले एटी ए केते सात डी केते एक ताले टी एन रा सूत्र कौन ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी ए जगार लिख सात एन माइनस वन डी जगार लिख वन सात प्लस एन माइनस वन केते हला सिक्स प्लस एन बा एन प्लस सिक्स कहवा ताले आमर प्रत्येक पदर प्रथम गुण नियक टी एन बाहर कले पुणी द्वितीय गुण नियक नवा पंदर कोड़े डट डट तार टी बा शेष पद बाहर करवा एठी ए हेला पंदर डी हेला पाँच कोड़े रु पंदर गले के पाँच ताले टी एन के हम ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी ए जगार लिख पंदर प्लस एन माइनस वन डी जगार लिखा पाँच के देख पंदर प्लस फाइव एन माइनस फाइव के दस प्लस फाइव एन बामें फाइव कमन नहीं गले टू प्लस एन बोली भी कहीपर बर्तमान देख प्रत्येक पदर आम एन तम पद बाहर कले एन टू यटा को एन वन कहवा ताले आर शेष पद कौन हम आर शेष पद को देख आम लिखिपर टी एन वन गुणन टी एन टू ये लिखा जाए प्रत्येक पदर प्रथम गुण नियक शेष पद गुणन द्वितीय पद द्वितीय गुण नियक मानक शेष पद यटा के आसला एन प्लस सिक्स यटा के आसला फाइव एटी लिखिदबा इंटु एन प्लस टू
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିତ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଚାରିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଛଅର ସ୍କୋୟାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ପଦରୁ ଯଦି ଟୁ ସ୍କୋୟାର କମନ୍ ନେଇଯିବ କ'ଣ ହେଲା, ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର ଟୁର ସ୍କୋୟାର ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର ଡଟ୍ ଡଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଖାଲି ଦୁଇ କମନ୍ ନେଇଗଲେ। ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଚାରି। ଏଇ ପଦମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଛଅ। ଆକୁ ଚାରିରେ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଦୁଇ, ଆକୁ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ତିନି, ଏତିକି ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଆ ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗଣିତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖିବା, ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେଭେନ୍ର ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ଅଛି ଟେନ୍ର ସ୍କୋୟାର ଡଟ୍ 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 ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ମନେକର ଆମେ ଲେଖିବା ୱାନ୍ ଫୋର୍ ସେଭେନ୍ ଟେନ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ କେତେ ୱାନ୍, ଦି କେତେ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଥ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଟି ଏନ୍ ବାହାର କରିବା। ଟି ଏନ୍ କେତେ ହେବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ୱାନ୍, ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଡି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଥ୍ରୀ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ହେଲା, ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଆମର ଟି ଏନ୍ ଆଗେ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଦଗୁଡ଼ା ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ଆକାରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଟି ଏନ୍ ଏଠି ହେବ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କହିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଆମେ ପକାଇଲେ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା, ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଟି ଏନ୍। ଦେଖ ଏଠି ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ଲେଖାଯାଉନି, ସମେସନ୍ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଦେଲା ମାନେ ଆମେ ଶେଷ ପଦ ଏଠି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଦିଅ, ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍। ଆର ତ ସମଷ୍ଟି ତମେ ଜାଣିଛ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଛଅ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍। ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଟୁ। ସମେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ମାନେ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହେଇକି କେତେଟା ଫୋର୍ ରହିବ, ଏନ୍ଟା ରହିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଗଲା, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି କରିବା। ରହୁଛି, ବାଏ।